हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल UPPCS प्री का प्रीवियस ईयर सीसेट का पेपर चल रहा था, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको पेपर के साथ साथ में उसकी व्याख्या भी देंगे। और 2021 और 2020 2021 का पूरा हो चुका, 2020 का हमने 50 प्रश्न कर रखे हैं। आज जो है उसके 2020 का ही है, वो 51 से नंबर प्रश्न से शुरुआत करेंगे। इसकी वीडियो देखने का फ़ायदा ये होगा कि आप सीसेट में, जैसे होता है कि आप जीएस में अच्छे खासी मेहनत कर लिए, अच्छा खासा मार्क्स ला लिए, अच्छा खासा स्कोर भी हो गया आपका, फिर भी सीसेट में कहीं ऐसा होता है कि सीसेट क्वालिफाई नहीं होते, सीसेट में दिक्कत आ जाती है। और अक्सर सुनने को मिलता है कि जीएस हमारा बहुत अच्छा गया, एक नंबर से सीसेट रुक गया, है ना। तो ये एक नंबर से सीसेट रुके क्यों, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज लाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा देंगे, इसमें हम 2015 तक का पेपर सॉल्व करवाएंगे टोटल। और पेपर को देख के ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि सीसेट का पेपर आखिरकार सॉल्व कैसे करना है, कुल मिला के सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा, और कम से कम समय में आप कैसे अधिक से अधिक अंक इसमें एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पैराग्राफ वाला सिस्टम होता है कि पैराग्राफ में अक्सर जबकि लोग फंस जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पैराग्राफ को सॉल्व करना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये पेपर की ये जो सीरीज है हम लेके आए हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, अच्छी खासी बेनिफिट मिल जाएगा। और उम्मीद भी यही है कि आप लोगों से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या करना है कि सी सेट में एक नंबर की समस्या ना आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे 51 नंबर प्रश्न से, और आज ये 2020 पूरा कर देंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न है, मतलब 51 नंबर प्रश्न है आज का पहला प्रश्न, और इस पेपर का 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग द लाइकलीहुड ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजन, ठीक है। देखिए भैया, कि निर्णय के परिणाम संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है, उसका सही उत्तर है उपयोगिता का आकलन, ठीक है, एसेसिंग यूटिलिटी, ठीक है। होता क्या है कि उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं होता है, उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों की संभाव्यता का एक प्रकार होता है, ठीक है, जो निर्णय समस्या में संभाव्य परिणामों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विभिन्न विकल्पों के जोखिमों के निर्णय में भी सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य निष्कर्ष में व्याप्त है, मतलब वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। किस आधार पर व्याप्त होना होगा, मतलब इंग्लिश में देखें तो इन ए वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म इफ प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुख्य आधार वाक्य में, ठीक है, इन मेजर प्रेमिसिस, ठीक है, ध्यान रखना इन मेजर प्रेमिसिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसंभाव्यता गुण है प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, तो प्रसंभाव्यता जो गुण है वो है भैया आगमनात्मक युक्ति का गुण है। प्रसंभाव्यता क्या है, आगमनात्मक युक्ति का गुण है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ध्यान रखना इसका।
पर संभाव्यता जो है ना आगमनात्मक युक्ति या तर्क का गुण होता है। युक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है भाई, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक क्या है, एक निष्कर्ष के लिए उच्च संभावना लेकिन पूर्व निश्चित नहीं है प्रदान करने के लिए पर्याप्त मजबूत समर्थन प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगमनात्मक युक्ति आगमनात्मक तर्कों की विशेषता है जो तार्किक शक्ति को दर्शाती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकर्स आर टेंड टू बी गुड एट डिस्कवरिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संप्रत्ययात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, ठीक है। इसका सही उत्तर है क्या है कि कॉन्सेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स, ओके। तो इसका हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है जो अभी हाल ही में पेपर ऊपर हुई है ना उनको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग तो उससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पेपर आप देख लीजिएगा। अब जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, व्हाट नंबर वुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जी इसका में देखिए इसमें 7 है, 18 है, 40 है, क्वेश्चन मार्क है 172, 348 है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसमें देखिए क्या है ना कि ये प्रश्न RORO 2016 का पेपर हुआ था उस समय, तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, हूबहू ऑप्शन के साथ था ये, ठीक है। इसलिए बता दे रहे हैं कि पेपर ऊपर जो अभी हाल में हुए हैं ना उनको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। अब इसमें क्या है, 7 से 18 हुआ, मतलब 7 × 2 प्लस धन कितना हुआ 4, ठीक है। 18 से 40 के बीच में क्या है, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो 40 के यहाँ तक क्या होगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है तो 40 × 2 = 80 प्लस 4 = 84, 84 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या संबंध है। इफ़ ए इज बी इज सिस्टर, सी इज बी इज मदर, डी इज सी इज फादर, ई इज डी इज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ठीक है। अब देखिए ये ए है यहाँ पे, बी बहन, ठीक है। कौन बहन है, ए, ए बहन है, ठीक है। अब इसमें कह रहा ई जो है इस तरीके से, दूसरा है सी जो है बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, तो सी यहाँ हो गया, ये हो गई मम्मी, है ना। फिर क्या करा कि डो डी जो है सी का पिता है, अब ये पिता हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, पिता है भाई, ठीक है। फिर क्या करा, ई जो है डी की माँ है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ई को हमने यहाँ रख दिया, ये भी माँ हो गई, है ना। तो पूछा जा रहा है ए और डी का संबंध क्या है, तो जाहिर सी बात है ए और डी का संबंध पूछा जा रहा है। अब देखिए ए बी बहन है, अब बहन भाई हैं या बहन बहन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि सी माँ है, है ना। तो सी अगर बी की माँ है तो ए की भी माँ हो सकती है, और सी डी जो है सी का पिता है, ये भी पता है आपको। तो डी जो है सी का जब पिता है तो बी के क्या होगा, तो नाना होगा, है ना, नाना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है डी और ए में जो संबंध होगा वो पोती का हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी बी हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ए का डी से संबंध पूछा गया है, अगर डी का ए से संबंध पूछा जाता तो नाना होता, लेकिन ए का डी से पूछा गया तो क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100
देन हाउ मैनी टाइम्स डू यू राइट थ्री, तो आप कितनी बार तीन लिखेंगे भाई? आप अगर सीधा सीधा निकालते चलिए, तीन है, तेरह है, तेईस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनतालीस, चालीस, चालीस तो है नहीं, फिर तिरालीस है, तिरपन है, तिरसठ है, तिहत्तर है, तिरासी है और तिरानवे है। तो अगर टोटल हम काउंट कर लेंगे ना, तो तीन की संख्या जो आएगी वो आएगी बीस के। ओके, अगला प्रश्न है, शब्दों के विषम युग्म को चुनना है, मतलब चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। तो देखिए, आयतन लीटर हो गया, दबाव बैरोमीटर, अवरोध ओम है, लंबाई मीटर है, तो इसमें जो दबाव है ना वो बैरोमीटर नहीं है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर रेशियो बैरोमीटर। ओके, चलिए विषम युग्म में यही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर को पढ़ना है, पहले यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है, तो तीसरा कथन कौन सा है? अगर पहला दोनों सही है तो तीसरा वाला कौन सा है, सही है या गलत है बताना है। तो देखिए, पहला है कि रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, ठीक है। दूसरा है पूनम जो है रमा से उम्र में बड़ी है, तो सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है क्या? मतलब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है स्टेटमेंट, रमा इज ओल्डर देन सोनम। दूसरा है पूनम इज ओल्डर देन रमा। और तीसरा है सोनम इज ओल्डर देन पूनम। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज। तो देखिए क्या है ना, पहले तो बोल दिया गया रमा बड़ी है, किससे? सोनम से। दूसरे में बोला गया पूनम बड़ी है रमा से। तीसरे में क्या बोला जा रहा है? सोनम बड़ी है पूनम से। तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर रमा से तो छोटी है सोनम, और रमा खुद छोटी है पी से, पूनम से, तो यहाँ पर सोनम कैसे बड़ी हो जाएगी? तो सीधा सीधा है ना भैया, तीसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत है ना, है ना, सिंपल था। चलिए, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण करना हमें, थ्री है, टू, सिक्स, एट, एट्टीन, फोर्टी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज विद द करेक्ट ऑप्शन, थ्री, टू, सिक्स, एट, एट्टीन, फोर्टी, क्वेश्चन मार्क है। अब ऐसा करते हैं ना, तीन को छः से ले लेते हैं, छः को अट्ठारह से कर लेते हैं, अट्ठारह को आगे बढ़ा देंगे, और दो का क्या करेंगे, दो का दो चौके आठ हो जाएगा, है ना, और आठ पंचे चालीस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो तीन दूनी छः हो जाएगा, और छः त्रिक अट्ठारह हो जाएगा, और अट्ठारह चौका बहत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका 72 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट भी देता है और 8% का लाभ भी कमाता है, तो छूट की दर क्या है? ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ही ऑफर्स सम डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड गेंस अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो रेट ऑफ डिस्काउंट इज। मानते हैं कि जो उसका मूल्य रहा होगा, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य मानते हैं कि उसका क्रय मूल्य x रुपए था, तो अंकित मूल्य क्या हो सकता भाई? अंकित मूल्य होगा x इंटू 120 अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 6/5x। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा फिर? विक्रय मूल्य हो जाएगा 8%, क्योंकि लाभ भी चाहिए इसको, है ना, तो 8% लाभ के लिए क्या होगा, x इंटू 108 अपॉन 100 इक्वल टू 27/25x हो जाएगा। ठीक है, अब छूट प्रतिशत की बात करनी है यहाँ पे, जो छूट प्रतिशत की बात क्या कैसे करेंगे, तो 6/5x माइनस 27/25x, ठीक है, टोटल का 6/5 5x इंटू
100, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 30 माइनस 27 अपॉन 25 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 100, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 30 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा भाई, ये आएगा 3 हो गया, ठीक है। अपॉन 5 इंटू 6 इंटू 100, तो 3 2 6 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10% इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बस समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10% इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ हो जाए डिवाइड, माइनस का अर्थ हो जाए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ हो जाए प्लस, और प्लस का अर्थ हो जाए डिवाइड का अर्थ हो जाए माइनस, तो 6 डिवाइड 10 माइनस 4 इंटू 12 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, वैसे आप चेंज करके करके जैसे मतलब इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स इंटू, इंटू मीन्स प्लस एंड डिवाइड मीन्स माइनस, देन 6 डिवाइड 10 माइनस 4 इंटू 12 प्लस 6 इक्वल टू ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसको जब सही से हम इसी आधार पर बैठा देंगे ना, तो इसका सही उत्तर -32 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अब ये नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमें नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो नहीं आएगा उसको हम नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलत बता देंगे तो आप वो देखेंगे तो वो फिर आप वही फॉलो करेंगे तो वो अच्छा नहीं है ना आपके लिए। किसी समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज है इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, ये 67 देख लेते हैं आप, कि प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, मतलब द मीन ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर्स इज, देखिए क्या है ना, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याएं जो हैं वो 2 4 6 8 करके ऐसे ऐसे 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ऐसे करके 40 तक है ये। तो इसका होगा, पहली संख्या क्या है, 2 है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन हो जाएगा 8, है ना, समझ रहे ना। अब इसको हम अगर कर देंगे तो 2 प्लस 40 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 40 प्लस 2 कितना होगा, 42 अपॉन 2 हो जाएगा, तो जब डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसको 21 आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषी संकेत है, कौन सा संप्रेषण में पराभाषी संकेत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरा लिंग्विस्टिक क्यू इन कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा टोनल पिच, टोनल पिच इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब स्वर संबंधी क्षेपण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ये, स्वर संबंधी क्षेपण संप्रेषण में पराभाषी संकेत होता है। इस संप्रेषण में क्या होता है कि संप्रेषण अपने विचारों भावों की अभिव्यक्ति लिखित भाषा के रूप में बोलकर करता है, ठीक है। यह वायिक संप्रेषण होता है, शारीरिक हाव भाव, चेहरे का भाव आदि दैहिक भाषा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज लाइकलीहुड ऑफ इमरजेंस ऑफ अ ग्रुप लीडर बट लोअर सेटिस्फैक्शन एमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चक्र प्रकार, मतलब व्हील टाइप वाले में ऐसा होता है। इसमें क्या अभी चक्र प्रकार क्या है, इसमें समूह के नेता की उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की पुष्टि कैसी होती है, वो जो होती है भैया निम्नतर होती है।
इसमें एक श्रृंखला प्रकार भी दिया गया है। श्रृंखला प्रकार क्या है, श्रृंखला प्रकार के बारे में ध्यान रखना कि इसमें नेटवर्क में कार्य की गति उच्च होती है और कार्य की परिशुद्धता भी अधिक होती है, साथ ही कार्य की संतुष्टि क्या होती है, कम होती है। तो एक वृत्ताकार भी है, वृत्ताकार प्रकार क्या होता है, इसमें कार्य की गति मंद होती है, नेतृत्व कमजोर होता है और कार्य की संतुष्टि होती है। तो बाधित प्रकार वाले में क्या है, इसमें कार्य निष्पादन होता है लेकिन परिशुद्धता की कमी देखी जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा निस्पंदन। ठीक है, निस्पंदन हो जाएगा मतलब फिल्टरिंग होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 71 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है। ये देखिए प्रश्न पिछले वाले में भी हमने देख रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिसनिंग। तो कौन सा है, नैदानिक, परानुभूतिक, परावर्तिक, निर्णयात्मक श्रवण। तो देखिए सकारात्मक श्रवण का जो रूप नहीं है वो है निर्णयात्मक श्रवण का। ठीक है, जजमेंटल लिसनिंग का। अब कैसे नहीं है, निर्णयात्मक श्रवण जो होता है ना वो सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है, यह श्रवण के पश्चात देने वाले निर्णय से संबद्ध है, जबकि नैदानिक श्रवण है, परावर्तित श्रवण है और परानुभूतिक श्रवण के विभिन्न रूप हैं जो श्रवण के सकारात्मक श्रवण को अभिव्यक्त करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्णयात्मक श्रवण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है। Which one of the following is not a communication barrier related to noise? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा दिक् आद्य प्रारूप। ठीक है, डायडिक आर्किटाइप्स। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये होता क्या है, इसमें शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है। संप्रेषण संबंधित बाधाओं में प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं होती हैं, सूचना अधिकार, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, अल्प भाषा ज्ञान, तकनीकी भाषा के ज्ञान का अभाव, ये सब शामिल होते हैं। द्विक आद्य प्रारूप का संबंध दो व्यक्तियों के बीच होने वाले संप्रेषण से होता है। ठीक है, तो बात याद रखना द्विक आद्य प्रारूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू। तो किसके द्वारा किया जाता भाई, तो इसमें देखिए कूट संकेतन है, माध्यम द्वारा है, प्रतिपुष्टि है, निष्क्रिय विसंकेतन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रतिपुष्टि के द्वारा ऐसा होता है, मतलब फीडबैक, मतलब कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच प्रतिपुष्टि के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, प्रतिपुष्टि के पश्चात ही संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा माना जाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पार विभागीय समितियां किसका रूप है। पार विभागीय समितियां जो है ना पार्श्विक संप्रेषण का ही रूप है, मतलब क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटीज आर द फॉर्म ऑफ लैटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है। ठीक है, मतलब ए मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैंस सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर सी इज। तू कौन है भाई। अब इसको देखिए, एक व्यक्ति है पी, इसने क्या किया, इधर दिखा दिया। ठीक है, इधर दिखाएगा ना, इधर दिखाया। ठीक, और फिर उसको क्या करा कि मेरे भांजे की नानी, भांजा कहाँ है, भांजा ये रहा। ठीक है,
भांजा ये हो गया। अब भांजे की नानी है ये, ठीक। अब क्या होगा, ये तो व्यक्ति है ना, इसका भांजा ये रहा, ये भांजे की नानी यहाँ पे है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि जिसको दिखा रहा है वो ये है ना, और यहाँ पे कौन है तुम, क्योंकि वो सीधे सीधे बोल रहा है कि मेरे भांजे की नानी है, तो फोटोग्राफ में जो महिला है उस व्यक्ति की बहन से उसका क्या संबंध है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि उसकी और कोई बहन भी नहीं है, ये भी बात यहाँ पे हो रही है। तो भैया सीधी सी बात है, ये हो जाएगी, ये है बहन और ये है माँ, है ना। तो माँ है, माँ हो गई ना ये, और ये इधर से नानी। तो इसका कुल मिलाकर सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, मदर है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। महासागर क्या है, प्रशांत महासागर है, द्वीप क्या है। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, ओशियन रेशियो है पैसिफिक, और प्रोपोर्शन है आइसलैंड आइलैंड रेशियो। तो आइलैंड क्या भी इसमें देखिए, नीदरलैंड आयरलैंड बोर्नियो तो नहीं, ग्रीनलैंड है इसमें। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर, देख लेते हैं। इसमें मेढक दिया, बाज है, टिड्डा है, सांप है, घास है। तो देखिए, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेंढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। तो हमने क्या किया, घास को ले गए हम टिड्डा के पास, टिड्डा को ले गए मेंढक के पास, है ना। फिर मेंढक को ले आए सांप के पास, घुमा के लेके आ गए। और फिर सांप को कहाँ ले जाएंगे, बाज के पास। तो पहले देखिए, पाँच हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, पाँच तीन एक, तो चार दो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ओके। चलिए, इसमें एक प्रश्न है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। तो चढ़ने दो भाई, उतारेगा कहें, उतारना नहीं ना, तो ठीक है चढ़ा देते हैं। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। इस तरह वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुँच जाएगा। देखिए 12 मीटर है, तो 2 मीटर, दो जैसे भाई 12 मीटर का खंभा है ना, एक 2 मीटर तक चढ़ रहा है, लेकिन वो उतर के फिर से आ रहा है अगले मिनट में यहाँ पे 1 मीटर पे। तो कुल मिला कि 2 मिनट में 1 ही मीटर तो चढ़ रहा है ना, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है ये, तो 12 मीटर की बात है यहाँ पे। तो 2 मिनट जब 1 मीटर चढ़ेगा, अंतिम जो 2 मिनट होगा वो तो ये पहुँच ही जाएगा ऊपर भाई। ए 2 मिनट में यहाँ गया, दूसरा मिनट यहाँ हो गया, मतलब 4 मिनट में यहाँ पहुँचेगा, 4 मिनट में, है ना। तो इस तरीके से ये चढ़ता चला जाएगा, 4 मिनट हो गया, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब ये 20 मिनट, मतलब लास्ट का जो 2 मीटर चढ़ेगा ना वो तो पहुंच ही जाएगा ना, उससे फिसलेगा क्यों, फिर लास्ट में उसको फिसलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहुंच चुका है चोटी पे। तो वो क्या है कि 20 मिनट में वो चढ़ता है 10 मीटर, 21वें मिनट में वो जब पूरी चोटी पर पहुंच गया तो वहां से उतरेगा नहीं वो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मिनट। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मतलब ए मंकी क्लाइम्स ए 12 मीटर्स हाई स्लिपरी पिलर, इन हिज फर्स्ट मिनट ही क्लाइम्स 2 मीटर एंड इन द नेक्स्ट मिनट ही स्लिप्स 1 मीटर डाउन। इन दिस वे हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर, तो 21 मिनट में पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें बताना भैया त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, गिन सकते हैं या फिर नंबर दे दिया जाए,
नंबर दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहाँ पे हो जाए जी, यहाँ पे एम और यहाँ पे आई, हो गया ऐसे ही कर दिया, ठीक है। एक और है इसमें, तो कुल मिला के देख लीजिए, तो एक ऐसे गिनते हैं, दो हो गया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ऐसे ही हो गया है ना, 11 हो गया ये भी, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया, एक 12 हो जाएगा ये, ठीक है, 12 हो गया। फिर अभी और कहाँ, एक ये अंदर वाला तो देख लिए हम सब, 12 तो यही हो गए। अब इसमें 15 बताने हमें। अब देखिए, एक हो जाएगा ये वाला 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 हो गया ना सीधा सीधा, तो 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई, इसमें ज़्यादा समझने की नहीं ज़रूरत पड़ी, हो गया ना। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, एक है, दो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हो गए, एक ये बड़ा वाला है 11 हो गया, ठीक है, एक अंदर वाला हो गया 12 हो गया, एक 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, बात ख़त्म, है ना। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को दूसरे मिला देना है, तो सभी मनुष्य मरणशील हैं, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, कुछ किसान धनी है। सूची दो में है, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी निषेधात्मक, सर्वव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक। इंग्लिश देखें तो ए है, ऑल मैन आर मॉर्टल, नो मैन आर परफेक्ट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंस, सम फार्मर्स आर नॉट रिच। लिस्ट सेकंड देख लें तो यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो इसमें देखिए जो मिलाएंगे ना, इसको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो भैया मरणशील तो है ये हैं, ये सर्वव्यापी सत्य है, तो इसमें हम ए कर दिए, ए का तीसरा हो गया, तो ए का तीसरा देखिए, ए का तीसरा एक में ही है, डी वाले ऑप्शन में है ना, तो इसको हम अब मिला देते हैं, तो डी में है तो बी का पहला हो जाएगा, सीधी सी बात है, बी का पहला हो गया भाई, सी का चौथा हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा, तो डी कुछ किसान धनी नहीं, मतलब अंशव्यापी निषेधात्मक है ये, ठीक है, और कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसका सर्वव्यापी निषेधात्मक है, ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी विद वन एनकाउंटर्ड अर्लियर इज नोन एज। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधिकता का स्वशोध, प्रतिनिधिकता का स्वशोध होगा, ह्यूरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता, कभी कभी बाधा उत्पन्न करता कोई समस्या समाधान में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स हैंडर्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसिक विन्यास, मतलब मेंटल सेट है, ठीक है। चलिए, कुत्ता वाला हमने जो एग्जांपल दिया था वो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें लंबा समय लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल टेक्स लॉन्गर टाइम, कौन सा ज़्यादा लंबा टाइम लेगा भाई। तो इसमें जिस लंबा टाइम लेगा वो है विश्लेषणात्मक शैली, एनालिटिकल स्टाइल जो होती ना, ये सबसे लंबा समय लेती है। क्यों लेती भाई,
निर्णयन शैली के अंतर्गत विश्लेषणात्मक शैली में लंबा समय लगता है। क्यों? इस शैली में निर्णय की जटिल प्रक्रिया होती है। समस्या को खंडों में बांट दिया जाता है, उसको पहचान करना कर किया उसका पहचान होता है, फिर उसके लिए उपयुक्त विधि का सहारा लिया जाता है, फिर उसका विश्लेषण कर निर्णय तक जटिल प्रक्रिया से होकर पहुँचा जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि विश्लेषणात्मक शैली किस किन किन खंडों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्त खंडों का अनुपात समानुपाती होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्त खंडों का अनुपात समानुपाती होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है वृत्त खंडों के कोणों के, मतलब एंगल ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेक्षण है कि 10, 11, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16, 12, 16, 10, 15, 16, 10 का बहुलक। इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है, इसमें कुछ देखना नहीं है, तो 16 का बहुलक इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें 16 का बहुलक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता होती है। भाई किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता होती है। द प्रिंसिपल यूज ऑफ डेफिनेशन इज टू एलिमिनेट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा संदिग्धता, जहाँ पे होगी एम्बिगिटी जहाँ पे होगी। ठीक है, परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता वहीं पर होगी। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो और दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उसमें तर्क दोष निहित होगा। एनी वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म विद अ पर्टिकुलर कंक्लूजन एंड टू यूनिवर्सल प्रीमिसिस विल कमिट द फैलेसी ऑफ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सिस्टेंशियल फैलेसी। ठीक है, तो सत्तात्मक जो तर्क दोष होगा यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए सत्तात्मक तर्क दोष देख लेते हैं ना क्या है। तो चलिए सत्तात्मक तर्क दोष देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इसमें क्या करते हैं कि वैध मानक का आकार निरपेक्ष बताया गया है। ठीक, साथ ही न्याय वाक्य का निर्णय विशिष्ट दोनों आधार पर सर्वव्यापी होगा। इस प्रकार इसमें दोनों आधार पर सर्वव्यापी होने का ही तर्क जो है सत्तात्मक तर्क दोष को स्पष्ट कर रहा, मतलब तर्क दोष में कथन तार्किक रूप से दोषपूर्ण साबित होते हैं। पदाघात दोष, उपाधि दोष, द्व्यर्थक हेतु दोष आदि प्रमुख तर्क दोष हैं जो मिथ्या तर्क से संबद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला है 60, 180, 90, 270 में लुप्त संख्या क्या है। द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 60, 180, 90, 270 इज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अब देखिए क्या है ना, 60, ठीक है, 60 का 180, 180 का 90, 90 का 270, 270 का ऐसे फिर इसका फिर 405 कर देंगे तो हम देखेंगे 60 × 3 होगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 से डिवाइड करेंगे, 180 को 2 आ जाएगा, डिवाइडेड 2 है ना, इसको डिवाइड कर दिए 2 से तो 90 आ गया, फिर 90 में 3 का गुना कर दिए 270 आ गया, तो 270 में फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 135। अगला प्रश्न क्या है कि पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की दुगुनी है। पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की दुगुनी है। 20 साल के बाद पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि द एज ऑफ फादर इज दैट द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स 20 ईयर्स लेटर द एज ऑफ फादर विल बिकम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज। मान लेते हैं कि पिता की उम्र होगी x और पुत्रों की जो प्लस करने पे होगी x अपॉन 2 कर देंगे। 20 साल के बाद की बात है तो भैया x प्लस 2 इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 20 इंटू 2 कर देंगे तो x अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे करेंगे ना, x हो गया पिता और x अपॉन 2 हो गया दोनों बच्चों के उम्र का योग। 20 साल के बाद की बात हो रही तो x प्लस 20 कर देंगे
इक्वल टू कर देंगे एक्स अपॉन टू इंटू नहीं प्लस 20 इंटू टू हो जाएगा। अब देख लेते हैं तो एक्स अपॉन टू को हम ला दिए इधर कर दिए, ठीक है, इंटू क्या हो गया इक्वल टू हो गया 20, बताइए भी ना, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू हो जाएगा 40। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में पिता की उम्र क्या होगी, उसके पिता की उम्र भैया 40 साल है, ठीक है। अब ऐसे भी अगर देख लें, ठीक है, तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूरा करना है, कंप्लीट द सीक्वेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कोर्स, ई जी आई के, फिर एफ आई एल ओ है, एफ एच जे एल है, तो उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए, ई से एफ हुआ एक, जी से आई हुआ प्लस दो, आई से एल हुआ जे के एल तीन, के से ओ हो गया एल एम एन ओ चार, एक दो तीन चार, ऐसे बढ़ रहा है। इसमें भी वैसे बढ़ा देंगे, F का G कर देंगे, F का G हो गया, H का I J हो J हो जाएगा, है ना, तो G J हो जाएगा, J का क्या होगा K L M हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर D हो जाएगा, क्योंकि G J M एक ही में ही दिख रहा है, इसका सही उत्तर G J M P हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने ऐसे चार हैं जिनके पहले सात है लेकिन बाद में तीन नहीं है, हाउ मैनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग विच आर प्रिसीडेड बाई सेवन बट नॉट फॉलोड बाई थ्री। तो दिया गया भैया 593 2174 269 7461 32 8 7431 38 32 56 7439 58 20 187463। बोला गया है कि कितने ऐसे चार हैं उनके पहले तो सात है लेकिन बाद में तीन नहीं है, देख लेते हैं ना भाई। देखिए, एक चार तो यहाँ पे है कि चार के पहले सात है लेकिन बाद में तीन नहीं है, एक चार ये भी है कि पहले सात है लेकिन बाद में तीन नहीं है, एक चार यहाँ भी है पहले सात है लेकिन बाद में तीन नहीं है, इसके अलावा और एक ये है आपका चार के पहले सात है लेकिन बाद में तीन नहीं है, तो कितना हो गया एक दो तीन चार हो गया, तो सही उत्तर चार हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो गया फोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से दसवें स्थान पर और बी दाईं ओर से नवें स्थान पर है, यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से पंद्रहवें भाग जाएगा, ए बाईं ओर से पंद्रहवें पर चला गया भाई, दस से पंद्रह हो गया, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजिशंस, ए बिकम फिफ्टींथ फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो बात साफ है भैया, ले लेते हैं, ए यहाँ से ए का है कितना दसवां, बी का इधर से कितना है ए है नौवां, दोनों ने एक्सचेंज कर दिया, ये चला गया यहाँ पे, अब ये आ गया पंद्रह पे, तो बीच में कितना बच्चा रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो बीच में कितने रहेंगे पांच लोग रहे होंगे ना, पांच लोग रहे होंगे, तो ये पांच यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, नौ इधर है दस इधर है, दस पाँच पंद्रह नौ चौबीस, और चौबीस में से एक किसी को भी हम जोड़ लेंगे एक को, तो चौबीस में से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा तेईस, सही उत्तर हो जाएगा 23। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो प्रस्तुति है, संस्तुति है, आगमन है, चर्चा है, परिचय है, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हैं इसमें,
हमको मिलाना भी है तो मिला लेते हैं। चलो पहले हम मिला लेंगे अराइवल का। तो अराइवल को हमने सबसे पहले रख लिया, तीसरा सबसे पहले आ गया। फिर हम परिचय को ले लेंगे, परिचय आ गया, आएगा तभी ना परिचय होगा, परिचय होगा तो प्रस्तुति भी होगी। इस पे चले गए तो 3-5-1 हो जाएगा, है ना, 3-5 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, तो 3-5-1 हो गया। फिर प्रस्तुति तो कहाँ होगी भाई, चर्चा होगी, चर्चा से फिर संस्तुति पर बात पहुँचेगी, सही उत्तर ये हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करेंगे कितने दिन में। तो 3 men और 7 women फिनिश अ वर्क इन 32 days, 7 men and 5 women टुगेदर विल फिनिश द टॉयस ऑफ दिस वर्क इन। 3 आदमी बराबर 7 औरत है, तो 7 आदमी बराबर कितना होगा, 3 आदमी बराबर है 7 औरत के, ठीक है। तो 7 आदमी बराबर क्या होगा भाई, 7/3 × 7 यही तो होगा ना, तो हम करती औरतें, तो 7 औरतें एक काम कितने दिन में कर रही हैं, 32 दिन में कर रही हैं। तो M1 है 7, W1 है 1, D1 है 32। तो पूछा जा रहा है कि 7 आदमी + 5 औरतें वो काम कितने दिन करेंगी। तो हमने कर दिया कि 7/3 × 7 × 5, ये पहला वाला हम यहाँ पे लाए ना, ये तो होगा, तो हमने सीधा सीधा कर दिया। तो 7 का 7 से गुणा हो गया 5 है, ठीक है, 3/5 हो जाएगा। इनको हम जोड़ लेंगे, नहीं 15 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है 15 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हो गया, 64 अपॉन 3 हो जाएगा, इतना तो हो गया। अब बात हो रही है कि इतना औरतें दो गुना कार्य कितना दिन में करेंगी, तो बात तो यहाँ पे फंसी है अभी। तो कैसे करेंगे, फिर से फार्मूला लगा लेते हैं वही वाला कि M1 D1 = M2 D2 / W2। तो 7 × 32/1 = हो जाएगा 64/3 × x/2 के। अब सीधा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कुल मिला के जब इसको हम काट देंगे ना, तो ये आ जाएगा 21 days दिन आएगा, ठीक है, 21 दिन हो जाएगा। अब इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, 3 का x से कर सकते हैं, 64 का 2 से कर सकते हैं, गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आ जाएगा नीचे और ये दोनों पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 21 दिन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 दिन के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर पाएंगे, मतलब 2 trains of length 127 meters and 98 meters are moving in opposite directions with speed 35 km per hour and 55 km per hour respectively after meeting they will cross each other in। इसमें कैसे होगा, दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को जो पार करती ना, वो पार करने में तय दूरी जो होती ना उनकी लंबाइयों के योग के बराबर होता है, याद रखना। तो दोनों की लंबाई हम जोड़ लेंगे 127 मीटर और 98 मीटर को, तो हमने जोड़ लिया, कितना हो जाएगा 225 मीटर टोटल आ गया। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि उनकी चाल क्या है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने कर लिया 35 और 55 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 और 55 को प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब इसको हम अगर निकालें मीटर प्रति सेकंड में, तो 90 गुणे
5/18 कर देंगे तो 18×5=90 हो जाएगा। 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन चल रही है। अब 225 मीटर टोटल है तो 25 का इससे सीधे डिवाइड कर देंगे तो 9 सेकंड आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 सेकंड इसमें है कि अगर है तो सही हो जाएगा 9 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला प्रश्न नहीं देखेंगे क्योंकि ये हम नहीं आएगा, हम लगाएंगे नहीं और टाइम भी जाएगा इसमें फिलहाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा, अगला प्रश्न भी छोड़ते हैं क्योंकि ये भी लंबा हो जाएगा और ये आयताकार कुछ है ऐसे। ठीक है, घनाकार टैंक है, चारों कोनों को पर खोदे गए जो मिट्टी हटाई गई है। ठीक है, ये सब नहीं करेंगे। त्रिज्या ही लास्ट का देख लेते हैं। 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक हैं 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6। तो सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की माध्यिका क्या है? आरोही क्रम सजा लेंगे, क्या है? देखिए, 17th कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आर 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6। तो इनका हम द मीडियन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल 17 कैंडिडेट्स इज, तो हम इनका एक आरोही क्रम कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बैठा लेते हैं। तो कैसे बैठेंगे, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, ठीक है, फिर है 9, फिर है 10, बैठा दिए। अभ्यर्थी कुल संख्या कितनी, 17 है भैया, विषम है। 17 संख्या क्या है, विषम है ना, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 वा पद हो जाएगा। n कितना है, 17 है, तो 17+1 कितना हो जाएगा, 18, 18/2 कर देंगे मतलब 9। तो 9वां संख्या कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 9वां पद इसका सही। अच्छा नहीं, 9वां पद हो जाएगा, हाँ, तो इसमें 9वां पद, माध्यिका 9वां पद हो जाएगी, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ भैया आज ये पेपर 2020 का भी समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद ये भी है कि वो एक नंबर की जो गुंजाइश हो जाती है ना, वो अब गलती से भी नहीं होगी। ठीक, फिलहाल इसमें कुछ मैथ के प्रश्न हमने छोड़ रखे हैं क्योंकि वो हम खुद नहीं करते, तो हम आपको क्या बताएंगे, हमें आएगा भी नहीं वो मैथ। ठीक है, फालतू में समय बिताएं तो वो उससे अच्छा है कि उससे आगे बढ़ लेते हैं। और ये आप लोग भी एग्ज़ाम में क्या करें कि आपको अगर प्रश्न नहीं आता है तो उसके पीछे टाइम मत वेस्ट करिए, अगले प्रश्न को देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।